फिराक मेरा अंतिम प्रणाम तुम्हें स्वीकार हो, लेकिन एक विनती है तुमसे, टूट कर ऐसा ऐसे के हाथ सीता का तुम देना उसके हाथ जो मुझे पहुंचाए अपने धाम, क्योंकि आज ये खुली चुनौती है कि अगर जो धनुष को तोड़ेगा वह रावण से बैर निभाएगा, किंतु चलते हैं जिसलिए आए थे, वह ताड़का को मारने वाला मारिच को बिन भर के हजार योजन दूर समुद्र पर फेंकने वाला वह नारायण आ गए। इस कारण देखो तुम भी दर्शन कर लो, क्योंकि ये मिली भगत है, पहचान कोई ना पाएगा, इसलिए चुपके से कहता हूं तुम भी दर्शन कर लो, लेकिन ये रावण फिर भी ना शीश झुकाएगा। चलता हूं जिस कारण ये लंका पर मेरा ये प्रस्थान हुआ, नारायण जो मेरे खातिर आया इस मिथिला में, उस कारण मेरा आज सम्मान हुआ। चलता हूं जिसको देखना हो चुपके से देख लेना, बोलना नहीं, क्योंकि ये मिली भगत हमारी है, इसलिए आज लंकेश्वर की बारी है। वाह, कंचन नगरी के सम्राट पुलस्त कुलभूषण, चार वेद, छह शास्त्र, 18 प्राणों के ज्ञानी पंडित, आज नाना प्रकार से हमारा वखान कर रहे हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ ये कह रहे हैं बात सत्य, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए। हमने एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और ये ब्राह्मण है, तो अपना धर्म और इनका धर्म निभाते हुए हमें इनके चरणों की वंदना करना चाहिए। हे कंचन नगरी के सम्राट पुलस्त कुलभूषण, चार वेद, छह शास्त्र, 18 प्राणों के ज्ञानी पंडित दशानन, राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है, जय हो आपकी दशानन। कहो बात है राघव, एक बार मर्यादा में बनते हुए इस पापी शरीर को भी तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, लेकिन मैं छलिया इसलिए नहीं कह सकता कि क्योंकि आज तुम मर्यादा में बंधे हुए हो, इसलिए अगर तुमने इस पापी शरीर को प्रणाम किया है तो ये सुवासिस तुम्हें जाकर मिथिला में इस सब कार्य पूरे होंगे। लेकिन एक बात बताओ राघव, क्या तुम्हारे चरण लंका आने को उकलाते नहीं है? ये नैना रावण से मिलाने को उकलाते नहीं है? लेकिन सुनो, इसके पहले मेरा भी प्रणाम स्वीकार करो, प्रणाम स्वीकार करो। हे कंचन नगरी के सम्राट पुलस्त कुलभूषण, आप कह रहे हो कि तुम्हारे चरण अकलाते नहीं, तुम्हारे नैना लंका आने के लिए तरसते नहीं, क्यों नहीं दशानन? भली भात तुम जानते हो इस धराधाम पर, ऐसा करो इसके बाद कर लेना, आप जाइए बीच में भाव ना खराब करो। दशानन, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि तुम तरसते नहीं, हम बिल्कुल तरसते हैं, क्योंकि इस धराधाम पर लाने वाले दशानन वास्तव में तुम ही हो। शायद तुम इस धरती पर ना होते तो मुझे ना आना पड़ता। वैसे तो लोग कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का, हमारे आने के एक हेतु नहीं अनेक हेतु है। कोई कहता गौ रक्षा के लिए आए, कोई कहता है पृथ्वी का भार हटाने के लिए आए, कोई कहता है संतों की सेवा के लिए आए, लेकिन विशेष हेतु कौन सा है वो आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा। सुनो दशानन व्यास जी।
आज सुनो, राम का विशेष हेतु क्या है इस धरती पर आने का, कि मैं हेतु तुम्हारे दशकंधर तुम्हारे और इनके भी विशेष तुम्हारे, कि मैं हेतु तुम्हारे दशकंधर इस धरती तल पर आया हूँ। जन्म लेकर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये हमारे अंश हैं, अकेला नहीं आया ये अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का लाल कहाया हूँ। दशरथ का लाल कहाया हूँ और भी कोई आया है हमारे साथ जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, वो कौन है सुनो। कौन है प्रभु? कुछ ही दिवस में सीता के मिस्र धरती का भार हटाऊंगा। हमारे साथ इस संसार में शक्ति भी आई, उस शक्ति का नाम है सीता। कुछ ही दिवस में सीता के से धरती का भार हटाऊंगा और ये बाणों की संख्या सुला तुम्हें, तुम्हें बाणों की सैया सुलाऊंगा दशानन, तभी तो तुम्हारा उद्धार होगा। कैसे? जब तुम हमारी भार्या सीता का हरण करोगे। बाणों की सैया सुला तुम्हें निज परम धाम पहो होगा क्या? तब एक संसार में कहानी बनेगी हमारी तुम्हारी, एक इतिहास बनेगा हमारा तुम्हारा, और उसी कहानी के आधार पर संसार में ना जाने कितनी कहानियां बनाई जाएंगी, जिन कहानियों से लोगों के पेट भरेंगे। हाँ, इतिहास के पन्ने में ये हमारी कथा लिखे जाएगी, ये कथा अमर हो जाएगी युगों युगों के लिए। इतिहास के पन्ने पन्ने में ये हमारी कथा लिखे जाएगी। सुरनर मुनि किन्नर यक्ष आदि सभी राम दाम मन भाएगी। सुरनर मुनि
मेरे आने का यही है। जय हो प्रभु, बहुत सही है। हमें विलन बनाकर स्वयं हीरो बन रहे हैं। हाँ भैया, डायरेक्टर है, किसी को भी कहीं से भी हटा सकते हैं, कहीं पर ले सकते हैं, क्योंकि विश्व के इस रचयिता को चलता से क्या काम, हमारा तुम्हारा मिलन यहाँ पर था। इसलिए हे राघव तुम्हें प्रणाम, हे राघव तुम्हें प्रणाम। लेकिन तुमने कहा मुझे मार दोगे, मैंने कौन से ऐसे पाप किए हैं, और मैं तो सुना करता था प्रभु आपके दर्शन मात्र से इस पापी शरीर को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, किंतु आप मुझे मारेंगे। चलिए हम पापी हैं, पाप करते हैं, किंतु प्रभु अगर दशानंद देखो तुमने हमारी बात पर श्याद ध्यान नहीं दिया। जब तुम्हारा ये शरीर पापी है, तुम चाहते हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगी, तो तुम्हारी मुक्ति के लिए हमने कहा नहीं मेरे साथ एक शक्ति आई, उस शक्ति का नाम सीता है, जब उसका तुम हरण करोगे तभी तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यदि मुक्ति चाहते हो तो, यदि नहीं चाहते हो मुक्ति तो मत हरण करना। प्रभु मुक्ति तो चाहिए, तो मुक्ति हमारे अवगणों को देखकर अगर आप कहते हैं तो इसलिए मैं भी कहता हूं, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो कैसे न देंगे भव से किनारे, अगर नाथ देखोगे, अगर प्रभु हमारे अवगणों को देखोगे तो हम इस भाव से कैसे पार होगे। लेकिन प्रभु आज आप हमारे सामने छत्री बनकर आए हैं, इसलिए हम ब्राह्मण हैं, आपकी भ्रगटी देखकर कुछ कहना चाहता हूँ प्रभु, आदेश हो तो कह दूं। कहो, बिल्कुल कहो, कहो। हे राम, तुम्हारी भक्ति पर मैं देख निमंत्रण देता हूँ, क्या सीधे गण लंक चले आना। अच्छा? मैं आज निमंत्रण देता हूँ, क्योंकि एक भक्ति कहती क्या, पिता मृत्यु वनवास लिखा, दूसरी भक्ति कहती का इस लंका पति का नाश लिखा, किंतु प्रभु इसके पहले मुझे एक वचन चाहिए, वह वचन नारायण बनकर नहीं राम बनकर चाहिए, क्योंकि अगर नारायण बनकर दोगे तो छल जरूर करोगे। तो सुनो, हाँ, तुम्हारी यदि ऐसी इच्छा है व्यास जी, तो हम इनकी इच्छा बस पूरी करेंगे। सुनो कि हे लंका के सुने बलबीरा, बहुत बड़े बलबीरा हो तुम लंका के, हे तुम अपने आगे किसी की नहीं चलने देते हो, कृपा है आपकी, हे तो मेरा भी कहना है कि हे लंका के सुन रणधीरा, हे लंका के सुन बलबीरा, धूरी हो जय नगरिया, धूरी हो जय नगरिया, इसलिए तुम्हारी सारी इच्छाओं को हम पूर्ण करेंगे। बस मुझे यही सुनना था, क्योंकि मेरे मन में यही विचार थे, पहले कुल तारा फिर मुही मारा, क्योंकि आपका अवतरण मेरे किए हुआ है, लेकिन मैंने इन राक्षसों निशाचरों को लंका में बुलाकर एकत्रित किया है, उनका भी विनाश करके अपने लोग आपको पहुंचाना होगा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ पहले मेरे कुल को उतार देना फिर मुझे मार देना। अरे राम,
तुम्हें ये लंकापति खुली चुनौती देता है, ये लंका का राजा तुम्हें आज ये चुनौती देता है। ढेड़ुहन रुबई हो, बन बन भटकई हो, फिर कहूं तोरे लोक में जई हो। वाह, जब हमने पहली कह दिया तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, अब क्यों व्याकुल हो रहे हो? अब तो हमारा तुम्हारा मिलन लंका में होगा, क्षेत्र में होगा। जाओ दशानन, जब तक के लिए तुम अपना राज संभालो। जय जय भोलानाथ की।